हेलो एवरीवन, आज हम लोग समुद्री जल धाराओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। समुद्री जल धारा, इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि समुद्री जल धारा होती क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग तीसरा जो बिंदु है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके अंतर्गत हम तीन महासागर में जो विभिन्न समुद्री जल धाराएं चलती हैं उनका चित्र बना के क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में चलने वाली जल धाराओं के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि समुद्री जलधारा होती क्या। देखिए, समुद्री जलधारा जो है उसका मतलब यह होता है कि जो भी समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे विशाल जलराशि जो है, समुद्री क्षेत्र में विशाल जलराशि एक निश्चित मार्ग में क्या होती है, चलती है, ठीक है ना? जो समुद्री जल है उसकी क्षैतिज गति होती है और वह एक निश्चित मार्ग में होती है, उसी को क्या कहते हैं, समुद्री जलधारा कहते हैं। मतलब समुद्री, समुद्र में जो महासागर हैं, सागर हैं, वहाँ पे जो विशाल जलराशि है, विशाल जलराशि मतलब समुद्री जल का जो बहुत ज़्यादा समूह है, बहुत ज़्यादा समुद्री जल जो है, जैसे नदियाँ हैं ना, नदियाँ एक दिशा में बहती रहती हैं, वैसे ही समुद्री क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए अगर यह समुद्री क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे जो है जलराशियों का जो समूह होगा, जैसे ये एक जलराशि है तो ये इस मार्ग में चल रही है, ठीक है, बहुत सारी जलराशि जो है, और जो जलराशि का समूह है वो मान लीजिए ऐसे चल रही है, तो ये जो समुद्री जल है उसका समूह एक निश्चित दिशा में क्षैतिज गति है ना, यहाँ से इधर की ओर ट्रेवल कर रही है, इसी को क्या कहते हैं, जलधाराएं कहते हैं, ठीक है। जल धाराओं की जो उत्पत्ति है, जल धाराओं की उत्पत्ति के लिए कई कारक क्या हैं, जिम्मेदार हैं, है ना? जैसे उत्पत्ति है, जल धाराओं की उत्पत्ति, इसके लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं। क्यों इनकी उत्पत्ति होती है, क्यों जल एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहा है, उसके लिए प्रमुखतः तीन कारक जिम्मेदार हैं। वो हैं भौगोलिक कारक, वायुमंडलीय कारक, और तीसरा जो है वह है समुद्री कारक। तो खगोलीय कारक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आता है घूर्णन गति। घूर्णन किसकी, पृथ्वी की घूर्णन गति। आपको पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती है। इसीलिए हमको लगता है कि सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, क्योंकि हम जिधर जाते हैं वह बाकी चीजें हमारे अपोजिट की ओर घूमती दिखाई देती हैं। तो घूर्णन गति, दूसरा है विक्षेप बल, जैसे कोरियालिस फोर्स हम लोग बात किए हैं, गुरुत्व बल, पृथ्वी के गुरुत्व बल। तो इनकी उत्पत्ति के लिए जैसे घूर्णन गति है, ठीक है, तो घूर्णन गति में जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो जो जल है, जो समुद्री जल है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है, जाता है, ठीक है ना। विक्षेप बल के कारण क्या होता है, जैसे हम लोग हवाएं पढ़े थे विक्षेप बल के कारण अपने मार्ग से भटक जाती है, वैसे ही जो है समुद्री जल धाराएं भी अपने मार्ग से भटक जाती है, मतलब उनकी दिशा जो है क्या होती है, बदल जाती है, मुड़ जाती है, वह विक्षेप बल है, जिसको आप लोग कोरियालिस फोर्स भी कहते हैं। कोरियालिस फोर्स जो कि विषुवत रेखा पे 0 होता है और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। वायुमंडलीय कारकों में तापमान, ठीक है, तापमान हो गया, वर्षा हो गई, वायुदाब हो गया, प्रेशर और पवन हो गई। जो पवने हैं, जो व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवी पवने हम लोग पढ़े थे, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जलधाराओं की उत्पत्ति में और उनकी दिशा में। जैसे पछुआ पवन प्रवाहित होती है जिस दिशा में, तो उसी दिशा में जलधाराएं प्रवाहित होंगी, जो
व्यापारिक पवने हैं वो भी जलधाराओं की दिशा को निर्धारित करती हैं। तापमान जो है जहाँ समुद्री क्षेत्र में, जहाँ जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने के कारण जो है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होने के कारण जब समुद्री क्षेत्र पर दबाव कम होता है तो जल धाराएं ऊपर की ओर रहती है, मतलब जो जल है वह ऊपर रहता है। जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ पे वायु का दबाव ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जल का जो तल है वह क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे जल का जो तल है वो क्या होगा, ऊपर होगा। वायुदाब अभी बताए, जहाँ पे कम वायुदाब है वहाँ पे जो समुद्री जल है उसका तल क्या है, ऊपर होगा, और जहाँ पे ज़्यादा वायुदाब होगा वहाँ पे समुद्री तल क्या होगा, नीचे होगा। समुद्री कारक में क्या क्या है, समुद्री कारक में लवणता, लवणता क्या होती है, जो समुद्री जल है उसमें विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं, है ना, जैसे पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सब जो समुद्री जल होता है उसमें मिले हुए होते हैं उसी, और वो लवणता को निर्धारित करते, वही लवणता है। समुद्री जल में घुले हुए जो लवण है वही समुद्री लवणता कहलाती है। ठीक है, फिर घनत्व तो है, जल का घनत्व तो है, फिर है बर्फ का पिघलना। लवणता, जहाँ पे लवणता ज़्यादा होती है मतलब लवण ज़्यादा है वहाँ के पानी का घनत्व तो क्या है, ज़्यादा होता है। जब पानी का घनत्व तो ज़्यादा होता है तो वहाँ समुद्र तल नीचे होता है, जहाँ पे जल की लवणता कम होगी वहाँ पे समुद्र तल ऊपर होगा। ठीक है, और लवणता जो है जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे लवणता ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों, तापमान ज़्यादा होने के कारण जो समुद्र का पानी है वह तो वाष्प में बदल जाता है, लेकिन जो लवण है वह पानी में ही रहता है, इसीलिए वहाँ का घनत्व भी बढ़ जाता है। बर्फ, अगर बर्फ पिघलती है तो बर्फ जो होती है वो शुद्ध जल से बर्फ बनता है, तो बर्फ पिघलने से जो शुद्ध जल है वो समुद्र में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और शुद्ध जल जब बढ़ेगा तो लवणता क्या होगी, उस क्षेत्र में कम होती जाएगी। इसीलिए जो बर्फीले वाले क्षेत्र हैं वहाँ की लवणता क्या होती है, कम होती है। और जहाँ समुद्री क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए भारत ये है, यहाँ पे कोई नदी आके यहाँ पे मिल रही है, तो जहाँ पे ये नदी मिल रही है समुद्र से, वहाँ पे ताजा पानी जो है समुद्र से मिल रहा है, इसके कारण यहाँ की जो लवणता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि समुद्री जल धाराएं जो हैं महासागरों में कैसे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो यहाँ एक चित्र है आपके सामने, यहाँ पे देखिए महाद्वीप बनाए गए हैं, ये महाद्वीपीय क्षेत्र है, ये वाला ये महाद्वीप है। ठीक है, और यहाँ ये भी महाद्वीप है, ये महासागरीय क्षेत्र है, महासागर, और ठीक है यहाँ भी महासागर मान सकते हैं आप। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है विषुवतीय रेखा 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये है कर्क रेखा उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कौन साउथ में कौन सी है, मकर रेखा है, ये 66.5 डिग्री उत्तरी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 66.5 डिग्री दक्षिणी जो है वो समुद्री क्षेत्र में स्थित है। ये जानबूझ के मतलब ये गलत नहीं बन गया है कि देखिए विषुवत रेखा बीचों बीच नहीं जा रही है। इधर का देखेंगे तो आप कर्क रेखा और ये 66.5 डिग्री की रेखा जो है महाद्वीप से गुजर रही है, लेकिन आप इधर देखेंगे तो इधर केवल मकर रेखा महाद्वीप से गुजर रही है, 66.5 वाली समुद्री क्षेत्र से गुजर रही है। तो ये जानबूझ के बनाया गया है। क्यों ऐसा बनाया गया है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो जो महाद्वीपीय क्षेत्र है ना, वो महाद्वीपीय क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है। विषुवत रेखा के उत्तर में जो भाग स्थित है उसको क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में स्थित है उसको क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो महाद्वीपों का जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय क्षेत्र ज़्यादा है, इसीलिए विषुवत रेखा यहाँ ऐसे बनाई गई है कि जो महाद्वीपीय क्षेत्र है ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो ठंडी एक चीज़ और बता देते हैं आपको, यहाँ पे जो हम लोग अभी देखेंगे जल धाराएं, उसमें देखेंगे कुछ गर्म जल धाराएं होंगी, कुछ ठंडी जल धाराएं होंगी, कुछ तुलनात्मक ठंडी होंगी और कुछ क्या होंगी, तुलनात्मक गर्म होंगी। इसके बारे में समझ लीजिए,
गर्म तो समझ में आ रहा है, वहां तापमान ज्यादा होगा, गर्म होगी। ठंडी मतलब कम तापमान। तुलनात्मक ठंडी मतलब क्या होगा कि तुलनात्मक ठंडी जलधाराएं ऐसे क्षेत्रों में चलेंगी जहां का तापमान तो ज्यादा होना चाहिए था। मतलब वहां पे तुलनात्मक ठंडी का मतलब क्या है कि वहां पे चलनी तो गर्म जलधारा चलनी चाहिए थी, लेकिन चल कैसी रही है, ठंडी जलधारा। इसीलिए क्षेत्र गर्म है लेकिन वहां पे धारा कैसी है, ठंडी है। तुलनात्मक गर्म में क्या होगा कि क्षेत्र क्या होगा, ठंडा होगा, और जल धारा कैसी होगी, गर्म होगी। ठीक है, तो तुलनात्मक ठंडी मतलब तुलनात्मक ठंडी जल धारा उस क्षेत्र में चल रही है जहाँ पे क्षेत्र तो गर्म है, क्षेत्र कैसा है, गर्म है, लेकिन जो जल धारा चल रही है वो कैसी है, ठंडी है। इसीलिए उसको तुलनात्मक ठंडी कहते हैं, क्षेत्र की तुलना में क्या है, ठंडी है। जो तुलनात्मक गर्म है वहाँ का जो क्षेत्र है वो कैसा है, ठंडा है ना, लेकिन वो धारा कैसी है, धारा कैसी है, गर्म है। मतलब होना तो यहाँ पे ठंडी जलधारा चाहिए थी लेकिन वह कैसी रही, गर्म, इसीलिए तुलनात्मक गर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो जलधाराओं को दिखाएंगे, ठीक है, तो जो गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा को रेड से दिखाएंगे, जो ठंडी जलधारा है उसको ब्लू से दिखाएंगे, है ना। और जो तुलनात्मक क्या है, तुलनात्मक गर्म है, तुलनात्मक गर्म को इस वाले कलर से दिखाएंगे, और जो तुलनात्मक ठंडी है, तुलनात्मक ठंडी है उसको इस ब्लैक से दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग रहिए। अब क्या होता है, ये महाद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये महासागरीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या होता है, विषुवत रेखा के पास से जलधाराएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ ये जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है, ये महाद्वीपीय क्षेत्र है, आपको पता होगा इधर महाद्वीप का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग, है ना, और इधर महाद्वीप का कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग। ऐसे ही इधर महाद्वीप का पूर्वी भाग है और इधर कौन सा है, पश्चिमी भाग है। अगर महासागरीय क्षेत्र का देखेंगे तो महासागरीय क्षेत्र का ये पूर्वी भाग है, ईस्टर्न, और ये कैसा है, वेस्टर्न, ये जो तट है, ठीक है ना। तो महाद्वीपों का जो पूर्वी भाग होता है उधर ही महासागरों का पश्चिमी भाग होता है। ठीक है, जो महाद्वीपों का पश्चिमी भाग होता है उधर ही महासागरों का पूर्वी भाग होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है यहाँ पे, है ना, विषुवत रेखा गुजर रही, तो यहाँ से क्या होती है, जल धाराएं जो हैं पूर्व से किधर की ओर चलती हैं, पश्चिम की ओर चलती हैं, ऐसे चलती हैं। तो जो विषुवत रेखीय क्षेत्र हो, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ भी, तो यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम आपको बताएं कि सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत होती, तो इसके कारण यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा। यहाँ का तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो जल धाराएं उत्पन्न होती हैं वो कैसी होंगी, गर्म होंगी, इसीलिए गर्म को इस कलर से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे विषुवत रेखा के उत्तर में एक जल धारा उत्पन्न होती है और विषुवत रेखा के दक्षिण में भी एक जल धारा उत्पन्न होती है, और वो कैसी होती है, गर्म होती है। जब ये दोनों टकराती हैं यहाँ महाद्वीप के कौन से भाग से, पूर्वी भाग से, इस भाग में, तो यहाँ एक और जल धारा उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं प्रतिविषुवतीय जल धारा, जो कि कैसी होती है, गर्म होती है। अब जब ये विषुवतीय जलधारा महाद्वीप के पूर्वी भाग से टकराती है तो यहाँ से ये टकरा करके उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, और ये अभी गर्म ही प्रकार की। फिर इसके बाद जो है गर्म प्रकार की ये जो जलधारा है जब 30 से 40 डिग्री अक्षांश के पास पहुँचती हैं, तो इस 30 से 40 डिग्री अक्षांश के पास ये पछुआ पवनों के प्रवाह में आ जाती हैं। पछुआ जलधारा के सहारे इसकी गति जो है उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर की ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर, उत्तरी गोलार्ध में दाई ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ जाती है, बाई ओर। ठीक है, तो ये जो प्रवाह गर्म जलधारा है यह गर्म प्रकार की ही होती है, और इसकी दिशा ऐसे क्यों हो गई है, पछुआ पवन के कारण हो गई है, और ये गर्म ही प्रकार की है। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये आगे चलती रहती हैं तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री के ऊपर का, ये कैसा है, ये ठंडा क्षेत्र है, यह शीत प्रदेश है ना, शीतोष्ण कटिबंध है या ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ठंडा प्रदेश है तो यहाँ कैसी जलधारा मिलनी चाहिए थी, ठंडी। लेकिन
ये जो प्रवाह प्रकार की जलधारा है जब इस क्षेत्र में पहुंचती है तो यहाँ पे ठंडा तापमान होने के बावजूद भी ये जो जलधारा है वो गर्म ही बनी रहती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तुलनात्मक गर्म जलधारा कहते हैं, क्योंकि इसका तापमान क्या है, ज्यादा है इसकी तुलना में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या है, बर्फ जमी हुई है। बर्फ जमी हुई तो उसका तापमान क्या है, कम है। बर्फीले क्षेत्र से बर्फ के पिघलने से जो जलधाराएं चलती हैं वो कैसी होती हैं, ठंडी। ठीक है, तो ये जो महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, महाद्वीप के पूर्वी भाग में कैसी जलधारा चलेगी, उच्च अक्षांश में। ये अक्षांश कैसा है, उच्च अक्षांश है ना, ये निम्न अक्षांश कहलाएंगे। यहाँ ये निम्न अक्षांश है और ये कैसे हैं, उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में ऐसी जलधारा चलती है, ठंडी जलधारा चलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बर्फ पिघलती है और पिघलने से ये इस तरीके से प्रवाहित होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जलधारा और बची हुई, ये यहाँ पे क्या होता है कि जब विषुवतीय क्षेत्र से जल जो है पश्चिम की ओर जा रहा है, ये वाला पश्चिम की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे जल कमी हो जा रही है। इस जल की कमी को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र से जो जल है सतह से ऊपर की ओर आता है, तो सतह से ऊपर आने के कारण इस ये कैसा होता है, ठंडा होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ठंडा होता है। जबकि यह क्षेत्र कैसा है, गर्म वाला क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंध है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो नीचे से जल आ रहा है समुद्र से वह कैसा है, ठंडा है। तो यहाँ पे तुलनात्मक ठंडी जलधारा चलती है। ठीक है, तो जो उच्च अक्षांश है ना, आप कह सकते हैं उच्च अक्षांश या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग है महाद्वीपों का, तो इन इन तटों के सहारे कैसी जलधारा चलती है, तुलनात्मक ठंडी जलधारा चलती है। क्यों तुलनात्मक ठंडी कह रहे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र गर्म है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे धारा कैसी है, ठंडी है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे कि सागरीय क्षेत्र ज्यादा होने के कारण यहाँ से ये जो जलधारा चल रही थी गर्म चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये जलधारा क्या है, पछुआ पवन यहाँ पे चलती है, उनके संपर्क में आती है, तो यह पछुआ पवन जो है समुद्री क्षेत्र में चलने के कारण इनका तापमान क्या होता है, कम होता है, और ये कैसी जलधाराएं होती हैं, ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठीक है, ये पूरे विश्व में चलती हैं ठंडी जलधाराएं, जिसको पछुआ पवन प्रवाह जलधारा कहते हैं, और ये कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। ठीक है, और इनका योगदान रहता है, ये जो तुलनात्मक ठंडी जलधारा उत्पन्न हुई है इसमें भी इनका क्या योगदान रहता है, जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है। तो ये एक जनरल वे है ना, ये सामान्यतः एक तरीका है समझने का। अभी हम लोग हर एक महासागर में देखेंगे कैसे कौन सी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, उनका नाम महत्वपूर्ण है, कहाँ कैसे चल रही हैं, चित्र में बना के इनको अगर क्वेश्चन आता है तो समझाना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले महासागर में, जो कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर में हम लोग देखेंगे जलधाराएं। ठीक है, अटलांटिक महासागर में जलधाराएं देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग पहले वही वाला कि जो गर्म जलधारा है उसको इस कलर से दिखाएंगे, जो ठंडी जलधारा है उसको इस कलर से दिखाएंगे, जो तुलनात्मक गर्म है वो इस कलर से, और जो तुलनात्मक ठंडी है उसको इस कलर से दिखाएंगे। ठीक है, अब सिंपल था जैसे वही बताए हैं। तो इसमें आपको जैसे महासागर है ना, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये है यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और इनके बीच में कौन सा महासागर स्थित है, इनके बीच में जो महासागर स्थित है वह है अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखने जा रहे हैं, और अटलांटिक महासागर को दो भागों में देखेंगे, एक उत्तरी अटलांटिक जो ये वाला भाग है, ठीक है, और एक देखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं जो ये वाला भाग है। ठीक है, यहाँ पे धाराओं का नाम भी लिख दिया गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, इसमें गर्म जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, और यहाँ भी दक्षिणी अटलांटिक में भी गर्म है और ठंडी है। ठीक है, इसी में तुलनात्मक ठंडी तुलनात्मक गर्म भी होंगी।
तो सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधाराओं को देखते हैं। तो हाँ सर, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले, आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे या तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पूछ सकता है, या तो अलग अलग पूछ सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं क्या है बताइए, या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तब आपको केवल एक ही गोलार्ध में जो स्थित है, जैसे विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी अटलांटिक और विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक, तो जो पूछा जाए वही बताना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे ये विषुवत रेखा है जो गुजर रही है, ठीक है ना, ये विषुवत रेखा है जो कि पूरे गोलार्ध को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो विषुवत यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि ये महाद्वीप है, तो ये महाद्वीप का पूर्वी भाग है, ये महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, इधर ये महाद्वीप का पूर्वी भाग है, ये महाद्वीप का पश्चिमी भाग है। ऐसे ही महासागरों का बता चुके हैं, महासागरों में इधर जो महासागरों का, इधर कौन सा महासागर होगा, पूर्वी महासागर का पूर्वी भाग होगा, ये महासागर का पश्चिमी भाग होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा देखेंगे। तो यहाँ पे जो विषुवत रेखा है, यहाँ से सबसे पहले जलधाराएं उत्पन्न होती हैं और किधर की ओर चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो विषुवत रेखा के उत्तर में जो जलधारा है विषुवत रेखा के पास, उसको कहते हैं उत्तर विषुवती जलधारा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो ये वाली है इसको कहते हैं दक्षिणी विषुवत जलधारा, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, ठीक है। पूर्व से पश्चिम चलने के दौरान फिर ये जो महाद्वीप का, जैसे ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, यहाँ पे ब्राजील है, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी भाग है, जहाँ पे उत्तरी विषुवतीय जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा दोनों टकराती हैं, और इनके टकराने से एक और जलधारा उत्पन्न होती है जिसकी गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जिसको प्रतिविषुवतीय जलधारा कहते हैं। अब इसके बाद ये जो उत्तरी विषुवतीय जलधारा है वो कैसी है, गर्म है, कलर से आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा जो है ये किधर की ओर मुड़ेगी, ऐसे मुड़ जाएगी, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड स्थित हैं, है ना, ये आइलैंड है, इनसे टकरा करके ये कई भागों में बट जाती है, तो इनको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ए का मतलब है यहाँ पे एंटिलीस, जे का मतलब है जमैका, ई का मतलब है टोबैगो, सी का मतलब है क्यूबा, ठीक है। तो ये सब गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ जो है ये इसका मतलब है फ्लोरिडा, तो ये सब गर्म जलधाराएं हैं, यहाँ पे फ्लोरिडा गर्म जलधारा। फिर ये यहाँ पे आगे चलती हैं, ये पछुआ पवन के कारण, ये पछुआ पवन के कारण इनकी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में दाई ओर हो जाती है, और गल्फ स्ट्रीम नामक जो गर्म जलधारा है वो होती है, उत्पन्न होती है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा उत्पन्न होती है। जब ये गल्फ स्ट्रीम आगे चलती है तो इसका कुछ भाग जो है इधर मुड़ जाता है ना, इसको कहते हैं रेनेल, ये भी गर्म जलधारा है, रेनेल भी गर्म जलधारा है, ठीक है ना, और ये गल्फ स्ट्रीम भी कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। फिर आगे जो है यही गल्फ स्ट्रीम या जलधारा आगे उत्तरी प्रवाह नाम से जानी जाती है, और यह उत्तरी प्रवाह जो जलधारा है वो आगे यहाँ पे इरमिंगल नाम से जानी जाती है, जो कि गर्म जलधारा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो कि गर्म जलधारा है, उसमें इरमिंगल और रेनेल दोनों शामिल है। तो यहाँ पे ये इरमिंगल जो है यह भी गर्म जलधारा है, रेनेल भी गर्म जलधारा है। फिर आगे आप लोग देखेंगे कि जब ये उत्तरी प्रवाह वाली जैसे इरमिंगल बनी है और रेनेल बनी है, यही जब उच्च अक्षांश में पहुंचती हैं, और उच्च अक्षांश मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कैसा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है ना, तो इस प्रदेश में ठंडा प्रदेश है तो तापमान कम होगा, तापमान कम होने के कारण यहाँ पे कैसी जलधारा मिलनी चाहिए थी, ठंडी, लेकिन यहाँ पे जो जलधारा चलती है वो कैसी होती है, गर्म, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, तुलनात्मक गर्म। तो तुलनात्मक गर्म जो जलधारा है वो कौन सी है, नार्वे जलधारा जो है तुलनात्मक गर्म है, क्योंकि यहाँ पे नार्वे एक देश भी है, ठीक है। तो ये तो गर्म जलधारा देख लिया हमने और तुलनात्मक गर्म, अब चलते हैं ठंडी जलधारा देखते हैं। तो ठंडी जलधारा जो है
यहाँ पे देखिए ये महाद्वीप का पूर्वी भाग है, ठीक है, महाद्वीप का पूर्वी भाग है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। यहाँ पे बर्फ है और वह बर्फ क्या है, पिघलती है, तो जिसके कारण पिघलने से जलधारा चलती है वो ठंडी होती है, जैसे यहाँ पे है लेब्राडोर की जलधारा जो कि ठंडी है। और ये ग्रीनलैंड देश है, यहाँ के इसके ग्रीनलैंड द्वीप है, और इसके पश्चिम इसके पूर्व से जो है एक जलधारा उत्पन्न होती है जो इस दिशा में चलती है, जिसको कहते हैं ग्रीनलैंड की जलधारा, ये भी ठंडी है, ठीक है। तो ये ठंडी जलधारा हो गई उत्तरी अटलांटिक की, लेब्राडोर और ग्रीनलैंड। अब आगे आइए, आगे हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि जब विषुवतीय क्षेत्र से जल हट जाता है तो यहाँ पे जल का क्षेत्र खाली हो जाता है, मतलब है ना। तो यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप का जो ये पूर्वी भाग है, यहाँ से जो जो जल है निकल करके इधर की ओर समुद्र के तल से नीचे से जल ऊपर की ओर आता है, ऐसे में क्या होता है, ये ठंडा होता है समुद्र के नीचे से, नीचे तल से आने के कारण, ऐसे में ये ठंडा जल है। लेकिन ये क्षेत्र कैसा है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जलधारा कैसी होती है, गर्म होती है, लेकिन यह समुद्र के नीचे से आने के कारण कैसा है, ठंडा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तुलनात्मक ठंडी, गर्म क्षेत्र में है तुलनात्मक ठंडी जलधारा, और इसका नाम क्या है, कनारी, क्या नाम है, कनारी, तुलनात्मक ठंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक और विशेष घटना होती है, और वो विशेष घटना यह है कि ये जितनी भी जलधाराएं हैं ये चक्र में चल रही हैं, जैसे यहाँ देखिए यहाँ से शुरू हुआ इधर गया ऐसे, यहाँ यहाँ जाते हुए फिर यहाँ से एक, तो एक चक्र बन गया ना। तो तटों के सहारे तो समुद्री जलधाराएं चल रही हैं, लेकिन बीच में कोई समुद्री जलधारा नहीं है, और यह बीच का क्षेत्र कैसा होता है, शांत होता है, जिसको सार्गैसो सागर कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्गैसो सागर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग दक्षिणी गोला दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में देखते हैं। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जो जलधाराएं हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अब देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए अभी हम बताए थे कि ये दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण में जो जलधारा है वो कैसी है, ये दक्षिणी विषुवत जलधारा कह रहे हैं, ये कैसी है, गर्म है, ये इधर चल रही है पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है। अब यहाँ पे ब्राजील से टकराती है, और ब्राजील से टकरा करके ठीक है अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, और यहाँ पे गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है, जिसको क्या कहते हैं, ब्राजील की जलधारा, गर्म जलधारा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आगे चलती है ब्राजील की जलधारा, और आगे पछुआ पवन के प्रवाह के कारण ये पछुआ हवाओं के साथ बाईं ओर मुड़ जाती है, और यह आगे ठंडी जलधारा के रूप में क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिसको पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फाकलैंड की जलधारा चलती है, वो कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ठीक है, फाकलैंड की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है वो कैसा है, गर्म है, कैसा क्षेत्र है, गर्म है, तो यहाँ पे कैसी जलधारा होनी चाहिए थी, गर्म जलधारा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हम लोग जो वेंगुला की जलधारा है, ठीक है ना, वेंगुला की जलधारा जो है वो कैसी है, तुलनात्मक ठंडी है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कैसी जलधारा होनी चाहिए थी, गर्म जलधारा होनी चाहिए थी, लेकिन जब ये विषुवतीय क्षेत्र का पानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, तो यहाँ से जो समुद्री जल है, समुद्री जल नीचे से ऊपर की ओर आता है, तो उस नीचे का पानी समुद्री जल का कैसा है, ठंडा है, इसके कारण यह कैसा है, ठंडी है, तुलनात्मक ठंडी। तो ये कौन सी जलधारा है, बेंगयूला जलधारा कैसी है, तुलनात्मक ठंडी जलधारा है। और जैसे उत्तर में यहाँ पे सार्गैसो सागर था, वैसे ही यहाँ दक्षिण में भी सार्गैसो सागर है, ठीक है। तो ये अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, ठीक है, यहाँ पे उनके नाम भी लिखे हुए हैं, गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, तुलनात्मक गर्म, तुलनात्मक ठंडी, तो ये आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रशांत महासागर की जलधाराएं ऐसे ही देखेंगे, उसमें भी उत्तरी प्रशांत महासागर देखेंगे और दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी में गर्म और तुलनात्मक गर्म, फिर यहाँ दक्षिणी प्रशांत में भी गर्म और तुलनात्मक गर्म, उत्तरी प्रशांत में ठंडी जलधारा है तुलनात्मक ठंडी, दक्षिणी प्रशांत में भी
ठंडी और तुलनात्मक ठंडी जलधाराएं देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर है। फिर से यहाँ पे वही संकेत बना लेते हैं, गर्म जलधाराओं को इससे दिखाएंगे। ठीक है, जो तुलनात्मक गर्म है उनको इससे दिखाएंगे, तुलनात्मक गर्म। जो ठंडी जलधाराएं हैं वो ये संकेत से दिखाएंगे, और जो तुलनात्मक ठंडी है, तुलनात्मक ठंडी को इस कलर से। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे भी ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में जो स्थित है उसको उत्तरी प्रशांत महासागर कहेंगे, और जो दक्षिण में है वो दक्षिणी प्रशांत। यहाँ पे ये एशिया महाद्वीप है, एशिया। यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि विषुवत रेखा के उत्तर का जो क्षेत्र है वो ये है, ये महाद्वीप है। तो ये कैसा है? प्रशांत महासागर है ये क्षेत्र। ये सब कैसा क्षेत्र है? प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, और यहाँ ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है। इनमें जलधाराओं की उत्पत्ति हम देखेंगे। तो सबसे पहले उत्तरी प्रशांत में देखेंगे। फिर बता रहा हूँ कि अगर आपसे उत्तरी प्रशांत पूछेगा तो उत्तरी प्रशांत महासागर में जलधाराएं बताना है, दक्षिणी में पूछेगा तो दक्षिणी में बताना है। अगर केवल प्रशांत महासागर पूछा, आपको उत्तरी दक्षिणी दोनों बताना है। तो यहाँ पे फिर वैसे ही ये महाद्वीप का कौन सा भाग है? ये महाद्वीप का पश्चिमी भाग है। ठीक है, ये महाद्वीप का पूर्वी भाग है। लेकिन जो महासागर है, ये महासागर का कैसा भाग है? पूर्वी भाग। और ये महासागर का कैसा भाग है? पश्चिमी भाग। तो जो जल धाराएं उत्पन्न होती हैं वो महासागर के हमेशा पूर्वी भाग से उत्पन्न होंगी। तो महासागर के पूर्वी भाग से जल धाराएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, और उत्पन्न होकर के किधर जा रही हैं? महासागर के पश्चिमी भाग की ओर जा रही हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो महासागर के पूर्वी भाग से उत्पन्न होकर जल धाराएं पश्चिमी भाग की ओर जा रही हैं। ऐसा क्यों जा रही हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम के पूर्व की ओर। तो जो जल है वो पूर्व से पश्चिम जा रहा है। और कई कारण हैं, कारण पे कभी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण उसको देखते हैं। तो विषुवत रेखा से जलधाराएं उत्पन्न हो रही है। विषुवत रेखा के उत्तर में जो जलधारा है उसको क्या कहते हैं? उत्तर विषुवतीय जलधारा। वो कैसी होती है? गर्म होती है। ठीक है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। फिर आगे प्रशांत महासागर में ये जलधाराएं अपने दाई ओर मुड़ जाती हैं। दाई ओर मुड़ती है तो एक जलधारा है क्यूरोसीबो जलधारा, वो कैसी है? गर्म है। ठीक है, एक है यहाँ पे जलधारा जिसका नाम है सुशीमा जलधारा, वह कैसी है? वह भी गर्म है। और फिर और दाई ओर जब जाती है तो पछुआ पवनों के प्रवाह में दाई ओर मुड़ती जाती है, और वहां पे उत्तरी प्रशांत प्रवाह जलधारा उत्पन्न होती है जो कैसी है? गर्म है। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे यही उत्तरी प्रशांत प्रवाह जलधारा आगे जब पहुंचेगी तो यह कैसे प्रदेश में पहुंचेगी? ठंडे प्रदेश में पहुंचेगी, जहां पे कैसी जलधारा होनी चाहिए थी? ठंडी। लेकिन यह गर्म जलधारा है जो यहाँ ठंडे प्रदेश तक पहुंच गई है, इसीलिए इसका तापमान ज्यादा बना रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तुलनात्मक गर्म कहते हैं। यह तुलनात्मक गर्म जलधारा का क्या नाम है यहाँ पे? अलास्का, क्योंकि ये अलास्का का क्षेत्र है, इसी के नाम पर यहाँ पे तुलनात्मक गर्म जलधारा चल रही है जो क्या है? अलास्का है। ठीक है, अब ठंडी जलधाराओं की बात करते हैं। यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, और यह बर्फ जब पिघलती है तो जलधाराएं उत्पन्न होती हैं जिनका पानी ठंडा होता है। इसमें एक जलधारा है, उसका क्या नाम है? आयोशीबो, और वह कैसी है? ठंडी जलधारा है। तो आयोशीबो ठंडी जलधारा। यहाँ पे एक ओखोटस्क जलधारा उत्पन्न होती है, वह भी कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो आयोशीबो ठंडी जलधारा हो गई, और एक जलधारा कौन सी हो गई? ओखोटस्क, जो कि कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। अब यहाँ पे तुलनात्मक ठंडी जलधारा एक उत्पन्न होती है जिसका क्या नाम है? कैलिफोर्निया। तुलनात्मक ठंडी जलधारा क्यों तुलनात्मक ठंडी है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो महासागर का पूर्वी भाग है, जब यहाँ से पानी पश्चिम की ओर चला जाता है तो यहाँ पे पानी की कमी को पूर्ण करने के लिए इस आसपास के क्षेत्र से पानी समुद्र तल से ऊपर की ओर आता है जो कि ठंडा होता है। जबकि यह क्षेत्र कैसा है? उष्णकटिबंधीय है, तो यहाँ पे गर्म जलधारा होनी चाहिए थी, लेकिन इसका तापमान जो है ठंडा है, क्योंकि यह समुद्र के नीचे से आ रहा है, इसीलिए तुलनात्मक ठंडी है। और ये क्या नाम है? कैलिफोर्निया।
ठीक है। अब ये जो महाधाराएं हैं, इनका जो चक्र है, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? शांत होता है प्रशांत महासागर में भी, ठीक है। तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हुई। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं को देखते हैं, तो यहाँ पे विषुवत रेखा के दक्षिण से जो जलधारा चल रही है उसको क्या कहते हैं? दक्षिण विषुवतीय जलधारा, जो कि क्या होती है? गर्म होती है। यहाँ पे एक बात बताना भूल गए कि उत्तर विषुवतीय और दक्षिण विषुवतीय जलधारा जब यहाँ पे दोनों आपस में मिलती हैं तो एक नई जलधारा उत्पन्न होती है जिसको प्रतिविषुवतीय जलधारा कहते हैं। यह भी गर्म होती है और इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। विषुवत रेखा दक्षिण में दक्षिण विषुवतीय जलधारा जो कि गर्म है। अब यह जलधारा जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व से होकर के गुजरती है तो यह गर्म रहती है और वह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहलाती है, गर्म जलधारा। फिर इसके बाद ये पछुआ पवनों के प्रवाह में आकर के जो है अपनी बाई ओर मुड़ जाती है और पछुआ पवन प्रवाह नामक जलधारा की उत्पत्ति होती है, जो कि ठंडी होती है और विश्व भर में समुद्री क्षेत्र में प्रवाहित होती है दक्षिणी गोलार्ध में। और यहाँ पे एक जलधारा और उत्पन्न हो रही है जो कि कैसी है? तुलनात्मक ठंडी है और जिसका क्या नाम है? पेरू या हम्बोल्ट की तुलनात्मक ठंडी जलधारा। क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि यहाँ से जो महासागर का पूर्वी क्षेत्र है यहाँ से पानी इधर चला गया, तो यहाँ पानी की कमी को पूर्ण करने के लिए इसके आसपास के क्षेत्र से समुद्र के नीचे से पानी ऊपर आता है और यह जब समुद्र के नीचे से पानी आ रहा है तो कैसा होगा? ठंडा होगा। लेकिन यह क्षेत्र कैसा है? गर्म वाला है। तो इस गर्म क्षेत्र में जब ठंडी जलधारा है तो उसको क्या कहते हैं? तुलनात्मक ठंडी जलधारा। इसका नाम क्या है? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा तुलनात्मक ठंडी। और ये जो बीच का क्षेत्र है वो कैसा है? एकदम शांत है, ठीक है। तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधाराएं हैं, इनका नाम दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रशांत महासागर पूछा जाएगा तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों को बताना है, और अगर उत्तरी बस पूछा जाए तो उत्तरी को, दक्षिणी पूछा जाए तो दक्षिणी को बताना है, ठीक है। अब आगे हम लोगों के पास हिंद महासागर बचता है जो कि हमारे भारत के चारों ओर है। हिंद महासागर एक खास कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? अभी तक हमने जो भी देखा है, चाहे प्रशांत महासागर देखा हो, तो यहाँ पे जो उत्तरी भाग है वो पूरा समुद्र खुला हुआ है ना? यहाँ पे कोई महाद्वीप नहीं है, ठीक है। मतलब ये पूरा एक खुला हुआ महासागर है, चाहे प्रशांत महासागर देख ले, है ना। दक्षिण में भी पानी ही पानी है, उत्तर में भी पानी ही पानी है। ऐसे ही अगर आप अटलांटिक महासागर भी देखेंगे तो उत्तरी अटलांटिक भी पानी ही पानी है ना, महाद्वीप नहीं है। दक्षिण में भी पानी ही पानी, महाद्वीप नहीं है। लेकिन हिंद महासागर की एक खास बात है कि हिंद महासागर में जो उत्तरी हिंद महासागर है, जो कि कहाँ पे है? विषुवत रेखा के उत्तर में है, वह क्या है? लैंड लॉक्ड है। मतलब यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र नहीं है, जबकि यहाँ पे महाद्वीप है जो कि भारत है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, ठीक है, इधर सऊदी अरब इत्यादि देश हैं, इधर म्यांमार है ना, बहुत सारे जो साउथ ईस्टर्न कंट्री हैं वो हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो दक्षिण में। तो ये जो हिंद महासागर का उत्तरी भाग है वो कैसा है? लैंड लॉक्ड है, मतलब खुला हुआ नहीं है। यहाँ पे कह सकते हैं कि ध्रुवीय जो क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ जमी रहती है वह क्षेत्र जो है हिंद महासागर में नहीं है। जबकि दक्षिण में क्या है? जैसे अन्य महासागर हैं वैसे ही हिंद महासागर का दक्षिणी भाग है ना, ओपन है एकदम, समुद्री क्षेत्र है। लेकिन उत्तरी भाग जो है वह क्या है? घिरा हुआ है स्थलीय भाग से। इसके कारण यहाँ पे जलधाराएं जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हैं और ये जलधाराएं मानसून पे निर्भर होती हैं। मानसूनी जो हवाएं चलती हैं उन पे ये जलधाराएं जो है उत्तरी भाग में क्या होती हैं? निर्भर होती हैं। दक्षिणी की सेम है, जैसे दक्षिण में वैसे ही उत्पत्ति होती है जैसे कि अन्य महासागरों में रहती। सबसे पहले हम लोग दक्षिण वाले को देख लेते हैं फिर उत्तर को देखेंगे। तो दक्षिणी जो हिंद महासागर है, विषुवत रेखा जो है यहाँ से गुजर रही है, तो उसके दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी हिंद महासागर कहेंगे। तो दक्षिणी हिंद महासागर में जो ये महासागर का पूर्वी भाग है और ये महासागर का पश्चिमी भाग है, तो पूर्वी भाग से जलधारा उत्पन्न होती है, पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? दक्षिण विषुवतीय जलधारा कहते हैं। और एक ऐसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, ठीक है। जब ये आगे चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो यहाँ पश्चिमी भाग में महाद्वीप से टकराती है और यह कैसा, कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक
ना, अफ्रीका महाद्वीप से टकराती हैं तो वो बाई ओर मुड़ती हैं। और यहाँ पे एक जलधारा है जिसका क्या नाम है, मोजाम्बिक जलधारा, जो कि कैसी है, गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। और यहाँ पे एक और जलधारा की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है अगुलहास। अगुलहास जो जलधारा है वह भी कैसी है, गर्म जलधारा। तो दक्षिण विषुवती जलधारा गर्म जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा, अगुलहास जलधारा गर्म जलधारा। और जब ये जलधाराएं और आगे चलती हैं तो यहाँ पे पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं। उन पछुआ पवनों के प्रवाह में आकर के ये प्रवाहित होती हैं। और पछुआ पवनों के प्रवाह में आकर के जब समुद्री क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं तो समुद्री क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण और यहाँ पे स्थलीय भाग न होने के कारण इनका तापमान बहुत कम हो जाता है। और ये कैसी धाराएं होती हैं, ठंडी धाराएं, जिनका क्या नाम है, पछुआ पवन प्रवाह नामक ठंडी जल धाराएं प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पे एक तुलनात्मक ठंडी जलधारा चलती है जिसका क्या नाम है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तुलनात्मक ठंडी जलधारा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर जब जल चला जाता है तो यहाँ पे जल की कमी को पूर्ण करने के लिए सतह समुद्र के तल से पानी ऊपर आता है। जब तल से पानी ऊपर आता है, समुद्री नीतल से पानी ऊपर आता है, तो यहाँ पे यह पानी कैसा होता है, ठंडा होता है, जबकि यह क्षेत्र कैसा है, गर्म है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तुलनात्मक ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई की तुलनात्मक ठंडी जलधारा कहते हैं। ठीक है, तो ये दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराएं हो गई। अब उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं देखते हैं। उत्तर में उत्तरी विषुवतीय जलधारा की उत्पत्ति देखने को नहीं मिलती है जनरली। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में, तो गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ जो भारत है इसमें कौन सी मानसूनी हवाएं चलती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। आप केवल इतना समझिए कि जब गर्मी का मौसम होता है तो हवाएं ऐसे चलती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में गर्मी के मौसम, तो इस क्षेत्र में हवाएं ऐसे चल रही हैं, तो जलधाराएं भी हवाओं के ही सहारे चलती हैं। तो गर्मी के मौसम में जलधाराएं इस तरीके से चलती, तो गर्मी के मौसम इस तरीके से चलती हैं। तो यहाँ से यह जो पानी है इस क्षेत्र से इधर की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यह पानी इधर जाने के कारण यहाँ पे क्षेत्र से पानी की कमी होती है, तो यहाँ से पानी जो निकल के ऊपर आता है, ठीक है ना, तो यहाँ से समुद्र के नीतल से पानी ऊपर आता है, जिससे एक जलधारा की उत्पत्ति होती है जिसको क्या कहते हैं, सोमाली की जलधारा। यहाँ पे कौन सी जलधारा चलती है, सोमाली की जलधारा। और वह जलधारा कैसी है, ठंडी है ना, तुलनात्मक ठंडी है, सॉरी तुलनात्मक ठंडी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये जो जल इधर विस्थापित हुआ तो इस जल की कमी को पूर्ण करने के लिए समुद्र के नीतल, मतलब समुद्र के नीचे से पानी ऊपर आया। और यह कैसा है, तुलनात्मक ठंडा है, लेकिन यह क्षेत्र कैसा है, गर्म, इसीलिए तुलनात्मक ठंडा। ठीक है, फिर ये गर्म जल धाराएं उत्तर दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण पश्चिम है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा। क्या कहते हैं इन जलधाराओं को, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा कहते हैं, जो कि गर्मी के मौसम में चलती है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ठंडी के मौसम में। ठंडी के मौसम में क्या होता है, ठंडी के मौसम में ये जो मानसूनी पवने हैं वह इस दिशा में चलती हैं, ऐसे ठंडी के मौसम में ऐसे ये पवने चलती हैं। ठीक है, तो इसी के सहारे ठंडी के मौसम में ये जलधाराएं भी उल्टी हो, अब ये इस तरह की जलधाराएं नहीं चलेंगी, अब इस दिशा में जलधाराएं चलेंगी। ठीक है, और इसको कहते हैं ये उत्तर पूर्व से किधर चलती है, दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इस वाली जलधारा को क्या कहते हैं, जो ठंडी के महीने में चलती है, उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा। ये कैसी होती है, गर्म होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा गर्म होती है। और जो गर्मी के मौसम में चल रही थी ये वाली जलधारा, उसको क्या कहते थे, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा। यह भी कैसी होती है, गर्म होती है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा है, गर्मी के महीने में चलती है, जो कि गर्म होती है। और ये जो दक्षिण उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा है, यह ठंडी के मौसम में चलती है, यह भी गर्म होती है। ठीक है, जब ये ठंडी के मौसम में उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा चलती है तो ये विषुवत रेखा को पार करके यहाँ पे जो दक्षिण विषुवतीय जलधारा है उससे मिल जाती है। और इसके कारण यह एक प्रतिविषुवतीय जलधारा की उत्पत्ति होती है, जो कि कैसी होती है, गर्म होती है। ठीक है,
प्रतिविस्वतीय जलधारा हिंद महासागर में केवल ठंडी के मौसम में उत्पन्न होती है, क्योंकि ठंडी के मौसम में यह उत्तर पूर्वी गर्म मानसूनी पवन क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों महासागरों में जो है जलधाराएं कौन कौन सी हैं, गर्म ठंडी, तुलनात्मक ठंडी, तुलनात्मक गर्म जलधाराओं के बारे में देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। तो ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, है ना। चित्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, तो चित्र बनाने की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, है ना, लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। धन्यवाद।